एम छो, तो हम पब्लिक आज करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल के एग्जाम्पल तो देखते हैं वेक्टर इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है तो आज वेक्टर इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा इवोल्यूट इंटीग्रेशन एफ डी आर यानी कि एफ का भी अलग फंक्शन होगा और डी आर का भी अलग फंक्शन होगा दोनों को हमको करना है मर्ज वहां पे एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन क्या है एट एक्स कैप माइनस फोर एक्स वाई के सी इज द curve गिवन बाय curve क्या है r हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो है t x t i कैप प्लस टी डायरेक्ट दी हुई है, 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 तो है यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x y एंड z में f का उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा t में तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं सबसे पहले ये जो आर का फंक्शन है यानी ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स हमारा हो जाएगा टी वाई हमारा हो जाएगा टी हमारा हो जाएगा टी क्यूब अगर x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं यानी dx एक्स बाई मिलेगा हमको वन सिमिलरली dy वाई बाई हमको मिलेगा टू टी एंड डी जेड बाई हमको मिलेगा 3 t स्क्वायर अभी ये जो तीनों वैल्यू मिली ये हमने क्यों फाइंड की क्योंकि हमको यहाँ पे dx dy एंड dz की वैल्यू चाहिए थी चलिए उसके बाद r का जो फंक्शन है उसका भी हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन यानी कि t फर्स्ट हो जाएगा डीएक्स बाई कैप प्लस डीवाई dt डी टी जे कैप डी जेड बाई डी टी के ये वाला जो एक्चुअली था ना वो हमने फाइंड कर दिया तो ये सिर्फ तीनों की वैल्यू पुट करनी है वन पुट करेंगे तो आई कैप मिलेगा

लिमिट अप्लाई करते हैं यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जीरो टू वन एफ इन टू उसके बाद f की वैल्यू पुट करते हैं डी आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे हम f की यानी कि एट एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप प्लस फाइव जे कैप

इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप का कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा जे का जे के साथ एंड के का K के साथ आई इंटू आई होता है one, J J होता है, one, K K होता है सबसे पहले एंड की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी तो एट एक्स हमारा था टी यानी टी स्क् वाई हमारा था टी स्क् टी क्यूब जे कैप माइनस फोर x 30 and y 30 square k पूरा पूरा का पूरा वैसे का वैसे वैसा ही यानी i cap plus G, t, j three t square k cap इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे हम तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t फोर टी क्यूब के कैप इन टू ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर के

यहाँ पे ये जे नहीं आएगा ये के भी नहीं आएगा क्योंकि वो हो जाएगा वन इसके बाद सिंपल फॉर्म में हमको मिल गया तो इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ एट टी रेस टू सेवन का हो जाएगा एट टी रेस टू एट अपॉन एट प्लस टेन टी रेस टू फोर का हो जाएगा टी रेस टू फाइव अपॉन फाइव माइनसल आउट फाइव से टू कैंसल आउट एंड सिक्स से भी टू कैंसल आउट यानी हमको फाइनल मिलेगा टी रेस टू एट प्लस टू टी रेस टू फाइव माइनस टू टी रेस टू सिक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि जीरो से लेके वन तक जीरो पुट करेंगे तो सब कुछ जीरो होता है तो वन पुट कर देते हैं यानी मिलेगा यानी हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया माइनस वन तो ये हो गया वन हमारा आंसर फॉर द इंटीग्रेशन एफ डी आर